गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एग्जांपल नंबर थर्ड करेंगे। तो एग्जांपल नंबर थर्ड उसी को कंटिन्यू किया मैंने। एग्जांपल नंबर वन किया था, फिर एग्जांपल नंबर टू किया, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर टू को एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, और रिपीट करेंगे तो अपने पास ये था एग्जाम्पल नंबर टू, ठीक है। इसमें हमने देखा एग्जाम्पल नंबर टू में कि हमारे पास क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इसको हमने सोल्व करना था। तो सोल्व किया तो सबसे पहले इसको ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स हमने निकाला, और ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स से हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया और इसको एक्लेन फॉर्म में चेंज कर लिया। और जैसे ही हमने एक्लेन फॉर्म में इसको चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, जो ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रो टू है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ द ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, टू आ गया। ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में, सॉरी, ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है थ्री, और गिवन मैट्रिक्स मतलब ए में है हमारे पास नॉन जीरो रो है हमारे पास टू। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास टू और रैंक ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास थ्री, तो ये नॉट इक्वल है। तो इस केस में हमने जब इसके बताए थे हमने वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल में बताया था कि कैसा सोल्यूशन होगा इसका, इनकन्सिस्टेंट, और जिसको हमने कहा था नो सोल्यूशन। और अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री। तो एग्जाम्पल नंबर थ्री में जो है आपके पास उसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थ्री में वो ये है, और लेकिन इससे पहले इसमें लिखा हुआ है चेक करना में कि कैसा सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से है, पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में लिखा था सोल्व करो, और इसमें लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। फिर आगे लिखा है यहां पर कि सॉल्व If it is consistent, अगर consistent है तो इसको सोल्व भी करना है। तो आपको पता है inconsistent आ जाता है तो हम direct कह देते हैं कि कैसा solution होगा, no solution। तो इसका solution से पहले हम equation लिखेंगे। तो हमारे पास equation ये दे रखी है, मैं एक बार ही लिख रही हूँ इसको। तो equation हमारे पास 4x plus 3y plus 2z is equal to minus 7। दूसरी इक्वेशन आपके पास 2x plus y minus के 4z is equal to minus 1, और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास x plus 2y plus z is equal to 1। ये तीन इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax is equal to b। a क्या होता है, b क्या होता है, और x क्या होता है, हम दोनों एग्जांपल में आपको बता चुके हैं। तो a आपके पास यहाँ होगा 4 3 2, 2 1 minus 4 1 2 1, और x क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन कितने दे रखे हैं यहाँ पर 3, तो क्या जाएंगे x y z। और आपके पास b क्या होगा, b जो बनता है हमारे पास पोलर मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दे रखे हैं उनसे हमारे पास b आएगा -7 -1 1, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया और ये फॉर्म आपके पास हो गई। तो अब हमें चेक करना है कि कैसा होगा सिस्टम हमारे पास इसका, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे, किसका रैंक, ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का और किसका, गिवन मैट्रिक्स का। तो हम डायरेक्ट ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं और इससे हम क्या करेंगे, रैंक निकाल लेंगे। और रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, हम इसको एक्लियन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये आ गया था आपके पास ए, और हम ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो यहाँ इस तरह से कॉलन लगा के, और हम इसको ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिख देंगे,
ठीक है। अब अगर कॉन्सिस्टेंट है सॉल्यूशन तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ द आपके पास गिवन मैट्रिक्स क्या आना चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए और वो भी किसके इक्वल आने चाहिए, थ्री, क्योंकि अननोन्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, थ्री है। तो सबसे पहले एक्लिन फॉर्म में चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, ये लीडिंग जो एलिमेंट है वो क्या बताया था, एक्लिन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें आपके पास वन है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो वी रिड्यूस इट टू एक्लिन फॉर्म, इसको हम एक्लिन फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड, ऊपर लिखना चाहो तो आप लिख दीजिएगा, टू फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब इसका रैंक फाइंड आउट करने के लिए वी रिड्यूस, हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस इट टू एक्लिन फॉर्म। और एक्लिन फॉर्म के बारे में पहले भी बता चुकी हूं कि इसको हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ी थी, एक्लिन फॉर्म रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। तो हमने देखा कि इसको यूनिटी बनाना है लीडिंग एलिमेंट को, तो हमने ऑपरेट कर दिया कि इसको आर वन और आर थ्री को, तो हमने लिखा यहाँ पर ऑपरेटिंग आर वन एंड आर थ्री, कैसे, ये किसका सिंबल है, इंटरचेंज का, तो हम क्या करेंगे इसको इंटरचेंज कर देंगे। और इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट को वन बनाना था तो आर थ्री को हम आर वन की जगह ले आए, लेकिन टू को चेंज नहीं किया इसलिए एज इट इज लिखा और आर थ्री की जगह हमारे पास आर वन आ गया। ठीक है, अब आगे हम ऑपरेशन लगाएंगे, इनको जीरो बनाएंगे, तो हम ऑपरेट करेंगे किसको, आर टू को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग आर टू, आर टू पर क्या ऑपरेशन लगाया हमने, आर टू माइनस टू टाइम ऑफ आर वन, और आर थ्री पर भी लगा देते हैं, आर थ्री पर क्या लगाया हमने, आर थ्री माइनस फोर टाइम्स ऑफ आर वन। तो आपके पास क्या आएगा, वी गेट द वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो हमने जैसे ही ऑपरेशन लगाया तो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन गया, यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर वन पर नहीं लगाया तो ये हो गया वन टू वन, नेक्स्ट ये जीरो बन गया, टू टाइम्स किया तो यहाँ बन गया आपके पास माइनस का थ्री, ये हो गया माइनस का सिक्स, और इस पर लगाया तो बन गया माइनस के थ्री। ऐसे ही फोर टाइम्स करके किया तो ये तो जीरो बन जाएगा, एट, थ्री माइनस एट माइनस का फाइव, ये हो गया आपके पास माइनस का टू, और ये हो गया आपके पास माइनस का इलेवन। आप देख रहे हैं कि आर टू, आर टू में थ्री से डिवाइड कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, तो हम ऑपरेट करेंगे किसको, आर टू को, तो ऑपरेटिंग आर टू क्या किया, वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ आर टू। ठीक है, और जैसे ही हमने लगाया यहाँ पर ऑपरेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा अपने पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास ये बन जाएगा यहाँ पर वन टू वन, ये तो एज ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे किया है तो माइनस के से कर देते हैं, तो माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस, क्योंकि सारे ही माइनस के दे रखे हैं, तो माइनस से कर दिया वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई इसको, तो ये वन आ गया, ये टू हो गया, ये आपके पास वन हो गया, यहाँ आपके पास जीरो है, ये आपके पास फाइव है, ये आपके पास सॉरी माइनस फाइव है, ये माइनस के टू है और ये माइनस का इलेवन है। अब हम देख रहे हैं कि आर थ्री पर भी लगा देते हैं, तो ऑपरेटिंग आर थ्री पर हम देख रहे हैं कि आर थ्री प्लस फाइव टाइम ऑफ आर टू कर दें तो ये जीरो बन जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वी गेट, तो अपने पास क्या आ गया, फाइव टाइम करते ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा यहाँ पर अपने पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमने आर वन पर नहीं लगाया इसलिए हम आर वन को एज इट इज लिखेंगे, हमने आर टू पर भी नहीं लगाया इसलिए इसको भी एज इट इज लिखेंगे, हमने इस पर लगाया तो ये हो गया आपके पास जीरो, ये तो किया ही था इसलिए जीरो, ये फाइव टाइम करके ऐड किया तो ये आपके पास आ गया वन, फाइव टाइम किया सॉरी टेन तो ये आ गया एट, सॉरी एट, और नेक्स्ट में आपके पास आ गया माइनस का सिक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया,
फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 है आपके पास और यहाँ आपके पास कितना है 6 है, तो हम क्या करें R3 को 8 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ 1 बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग R3 पर ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया 1/8 टाइम ऑफ R3। तो अपने पास क्या बन जाएगा ये, तो हमने किया यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर B और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1:1 और ये हो गया 1, यहाँ हो गया 0:1:1, इस पर भी नहीं लगाया था, अब इस पर लगाया है तो इसको डिवाइड कर दिया 8 से, 8 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3/4, यहाँ तक ठीक है। और ये क्या आ गया आपके पास एक्लियन फॉर्म, विच इज इन एक्लियन फॉर्म, एक्लियन फॉर्म इन विच नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 3, और जो A का रैंक है वो भी आपके पास कितना है 3। तो रैंक ऑफ A इज ऑल्सो 3, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है। तो हमने इस केस में क्या कहा था, अगर आपके पास रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, कैसे होगा आपके पास सिस्टम, कैसा होगा, कंसिस्टेंट, हैंस द गिवन सिस्टम, हैंस द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट होता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट एंड हैज एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लास्ट वाले इससे देख रहे हैं कि यहां से हम यहां से लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू -3/4, और सेकंड से क्या आएगा, वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो वाई प्लस 2z, जेड कितना है माइनस के 3/4 वैल्यू रखती इज इक्वल टू 1, तो वाई प्लस -3/2 हो गया इज इक्वल टू 1। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1+3/2 दैट मीन्स 5/2। तो यहां से हमने वाई भी फाइंड आउट कर लिया और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2। इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन में क्या रखा था आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं x+2y+z इज इक्वल टू 1, और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस में 2 × y, y कितना है आपके पास -3/4, z कितना आपके पास 5/2 इज इक्वल टू 1, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस माइनस हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये आपके पास 5/2 था इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x माइनस क्या हो जाएगा, जब 2 एलसीएम लेंगे तो 2/2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर x की जो वैल्यू है, यहाँ आपके पास क्या था, y की वैल्यू रखी हमने, y की वैल्यू कितनी थी अपने पास, y 5/2 था, यहाँ z की रखी गई बाय मिस्टेक। तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ से मिस्टेक है, ये यहाँ पर अपने पास था और ये भी गलत लिखा गया है, तो फिर इसके बाद ये स्टेप भी गलत हो गया, तो ये था आपके पास 2, y की वैल्यू कितनी है 5/2, तो y की वैल्यू 5/2 है आपके पास, तो y की वैल्यू 5/2 रख देते हैं, z की वैल्यू थी -3/4, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये प्लस का 5 हो गया और माइनस का 3/4,
और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 4 और प्लस के 3/4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा, माइनस के 16 प्लस के 3, तो आपके पास आ गई x इज इक्वल टू माइनस के 13/4। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आया आपके पास, तो इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट में किया था। तो इसमें पूछा था कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हमने इसको इस तरह से किया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट की तरह से ही हो गया था, एक तरह से रिवीजन हो गया आपका इसका। और अब एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, एग्जांपल 4। इसमें से क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको कर लेना है आपको। तो ये है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास दे रखी है यहाँ पर, कंप्लीटली सोल्व करना है इसको। तो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपके पास x प्लस 2y माइनस जेड माइनस के 5w इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास x प्लस 3y माइनस के 2z माइनस के 7w इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखें और फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। और इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि a क्या आएगा यहाँ पर आपके पास 2 - 1 - 3 - 0। फिर सेकेंड रो के एलिमेंट होंगे 1 - 2 - 1 - 5 और थर्ड के होंगे आपके पास क्या 1 - 3 - 2 - 7। और चिप बी राइट हैंड साइड पर होता है, लेकिन x क्या होगा यहाँ पर x y z w, और राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास बी, बी के एलिमेंट कितने दे रखे हैं आपके पास 3, 4, 5। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख के और इसका क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। तो ये हमने लिखा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर 2 - 1 - 3 - 0, यहां से था 1 - 2 - 1 - 5, ये हो गया 1 - 3 - 2 - 7। तो ये है आपके पास राइट हैंड साइड में बी की वैल्यू थी यहाँ पर 3, यहाँ था आपके पास 4, यहाँ था आपके पास 5। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको चेंज करते हैं, लीडिंग एलिमेंट की एंट्री है वो 1 होनी चाहिए हमारे पास, तो इसको चेंज कर लेंगे 1। तो 1 कैसे भी कर सकते हैं, R2 और R1 इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम R3 के साथ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं R1 और R2 को चेंज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक्लियन फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो ये है हमारे पास लीडिंग एलिमेंट, और इसको 1 करने के लिए हमने क्या किया R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया फॉर लीडिंग एलिमेंट। देयरफॉर लीडिंग एंट्री या लीडिंग एलिमेंट कहें, लीडिंग एंट्री कहें, क्या होनी चाहिए, लीडिंग एलिमेंट इज 1 या यूनिटी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर लेते हैं चेंज। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने चेंज किया तो ये हो गया 1 - 2 - 1 - 5 - 4, और ये बन जाएगा यहाँ पर 2 - 1 - 3 - 0, और यहाँ है आपके पास 4, लेकिन 4 नहीं आएगा यहाँ पर, आपके पास क्या था 3 था, तो यहाँ आपके पास आएगा 3। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थ्री करेंगे, ये आएगा 3। और थर्ड में कोई चेंज नहीं किया था तो थर्ड आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑपरेशन लगाया, अब इन दोनों को जीरो बनाना, जीरो बनाने के लिए हम ऑपरेट कर लेंगे R2 और R3 को। तो ऑपरेटिंग R2
आर टू पर क्या ऑपरेशन लगाया, आर टू माइनस में टू टाइम्स ऑफ आर वन, और आर थ्री पर क्या ऑपरेशन लगाया हमने, आर थ्री माइनस में आर वन, तो अपने पास क्या आ जाएगा रिकेट, तो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी। और इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा आगे करके, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो फर्स्ट आपके पास एज इट इज रहेगा, जैसे था वैसा ही। और इसको टू टाइम्स करके ये किया तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास जीरो आ गया, टू टाइम्स करके किया था। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का फाइव, क्योंकि फोर था और माइनस किया तो माइनस का फाइव आ गया, यहाँ फाइव हो जाएगा, यहाँ टेन होगा, यहाँ आपके पास आएगा माइनस का फाइव। इसी तरह से दिस माइनस दिस जीरो, यहाँ वन आ जाएगा, माइनस किया तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस टू हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइव माइनस फोर वन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर आर टू को डिवाइड कर दें हम फाइव से तो शायद आर थ्री बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग आर टू, इससे कि हमने आर टू को डिवाइड कर दिया फाइव से, तो आर टू को फाइव से डिवाइड कहें या मल्टीप्लाई विद माइनस वन बाय फाइव कहें, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर वी गेट, यहाँ हमने ऑपरेशन लगाया है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज होके अपने पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट पर नहीं लगाया तो फर्स्ट को हमने एज इट इज लिख दिया, सेकेंड पर लगाया तो ये वन बन गया, ये आपके पास माइनस वन बन गया, ये आपके पास टू हो गया, और ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पर माइनस वन नहीं, ये प्लस वन बनेगा, सॉरी प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया वन माइनस वन, माइनस का टेन आना था क्या, तो ये माइनस फाइव, फाइव टेन, और ये माइनस का फाइव, इसको माइनस से किया तो माइनस से किया तो वन आ गया, माइनस वन आ गया, माइनस किया तो माइनस टू आएगा, माइनस किया तो प्लस वन, और ये हो गया प्लस जीरो, यहाँ था आपके पास वन, यहाँ था आपके पास माइनस वन, यहाँ था माइनस टू, और ये हो गया वन। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि ऑपरेट करेंगे आर थ्री को, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसको जीरो बना लेते हैं, और आर थ्री पर जैसे हमने ऑपरेशन लगाया आर थ्री माइनस आर टू, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो थर्ड है वो आपके पास क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, तो इसको हम जीरो बना लेते हैं, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन टू माइनस वन माइनस फाइव फोर, ये जीरो वन माइनस वन माइनस टू, और ये हो गया वन, और ये आई थिंक सो सारे जीरो बन जाएंगे आपके पास, सारे के सारे जीरो, और ये क्या आ गई एक्लियन फॉर्म, तो विच इज इन एक्लियन फॉर्म, एक्लियन फॉर्म। अब चार एग्जांपल हो गए एक्लियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, वैसे तो सेकंड चैप्टर में बताया है, तो आप आई थिंक सो इजिली चेंज कर लेंगे, इन विच द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज कितनी है, नॉन जीरो रो टू, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया टू, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी आपके पास क्या आ गया टू, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं हमारे पास फोर। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, जब नॉट इक्वल होते हैं आपस में तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, आप क्या कहेंगे इसको, हम कंसिस्टेंट कहेंगे, और कंसिस्टेंट है तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ अननोन हमारे पास चार दे रखे हैं, और ये जो रैंक आया है कि हमारे पास टू आया, अगर ये चार आता तो हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे कि सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू
विच इज लेस देन 4. 4 क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स. एक्स वाई जेड डब्ल्यू, नंबर ऑफ अननोन. अननोन 4 है, रैंक आया आपके पास ये, तो द सॉल्यूशन विल कंटेन, द सॉल्यूशन विल कंटेन, क्या होगा सॉल्यूशन में हमारे पास, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी जैसे हम 12th क्लास में करते थे, जब इनफाइनेटली मैंने सॉल्यूशन निकालते थे तो हम एक को k मान लेते थे, तो यहाँ भी हमारे पास 2 को हम k1 और k2 मान लेंगे, तो इनको बोलते हैं हम आर्बिट्रेरी. तो इक्वेशन, द इक्वेशंस corresponding to the matrix R, अब ये equation कहां से लिखेंगे, जो हमने augmented matrix जो लिखा था हमने, ये था हमारे पास last में जब Euclidean form में आया, तो ये आपके पास यहां से ये एक इक्वेशन ये बनेगी आपके पास और एक इक्वेशन ये बनेगी, तो ये इक्वेशन लिख देते हैं हम. तो इक्वेशन आपके पास पहली इक्वेशन आएगी x प्लस 2y माइनस z माइनस 5w इज इक्वल टू 4. तो इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन को, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो ये होगी. तो पहली इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y माइनस z माइनस 5w इज इक्वल टू 4 था, ये फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन में आया हमारे पास y माइनस z माइनस 2w इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये दो आई क्योंकि हमारे पास दो ही अननोन, दो ही नॉन जीरो रो है आपके पास, तो अब हमें दो को मानना पड़ेगा आर्बिट्रेरी. तो हम पुट कर लेते हैं z इज इक्वल टू k1, z इज इक्वल टू k1 एंड w इज इक्वल टू k2, और ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. तो फ्रॉम इक्वेशन टू ये सेकंड इक्वेशन थी आपके पास, तो y माइनस k1 माइनस 2k2 इज इक्वल टू 1, और इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस k1 प्लस 2k2, ये y की वैल्यू आ गई आपके पास. और अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में x तो एज रहेगा, 2y क्या आया हमारे पास, 1 प्लस k1 प्लस 2k2 माइनस जड़ क्यों क्या माना था हमने, जड़ को माना था हमने k1, ये जड़ था हमारे पास k1, माइनस w क्या माना था हमने k2. ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 4. ठीक है, और अब इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहां आ गया x प्लस 2 प्लस 2k1 प्लस 4k2 माइनस k1 माइनस 5k2 इज इक्वल टू 4. तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 4, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 ही बचेगा, 4 माइनस 2, 2k1 और माइनस का k1, तो k1 बचेगा, माइनस का k1 हो जाएगा, या 4k2 माइनस के 5k2, तो माइनस का k2, लेकिन इधर आके आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का k2. तो x की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस में k1 और प्लस का k2 आ गया. y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, y आई थी अपने पास 1 प्लस में k1 प्लस में 2k2, ये y आ गया. जड़ को हमने क्या माना था, जड़ हमने ले लिया था k1, और w को हमने क्या लिया था, w इज इक्वल टू k2. तो आपके पास 4 अननोन थे, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारे पास 2 है, तो 2 को हमने आर्बिट्रेरी मान लिया, हेंस k1 एंड k2 आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो ये मैंने तीनों टाइप के आपको करवा दिए हैं. फर्स्ट टाइप में आपके पास क्या था, कंसिस्टेंट, फिर इनकंसिस्टेंट, और तीसरा है कंसिस्टेंट है और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच.